हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हां दोस्तों, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी स्ट्रीम के लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपके परसेंटेज को बूस्ट करने में हेल्प करने वाला सब्जेक्ट, 80 मार्क के ऑनलाइन एग्जाम में 60 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स देने वाला ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोज मिलते रहेंगे। दोस्तों, हमने पिछले कई वीडियोस वेब पब्लिशिंग यानी जो हमारा पहला चैप्टर है HTML5 के ऊपर एडवांस्ड वेब डिज़ाइनिंग, उस पर बनाए हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, जो एक कॉमन चैप्टर है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में। हमने काफ़ी हद तक ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के भी वीडियोज़ तैयार किए हैं। आप प्लेलिस्ट में वीडियोज़ में जाकर उन्हें देख सकते हैं, मैं आई बटन में भी उनके लिंक डाल दूंगा। आज दोस्तों, हम ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस में आगे बढ़ने वाले हैं, जहां हम ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग तो जानते ही हैं क्या है, हम ओवर द इंटरनेट शॉपिंग वगैरह तो डील करते ही हैं। कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस भी हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत उपयोगी आज के इस दौर में साबित हो रही है, जहां गवर्नमेंट की पॉलिसीज, योजनाएं भी इलेक्ट्रॉनिक वे में हम तक पहुंचती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में जानेंगे, किस तरह से ये ट्रांजैक्शंस सिक्योर्ड होते हैं, ऑनलाइन होने वाली गतिविधियों पर कैसे सिक्योर्ड नज़र रखी जा सकती है, और क्या प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए, किन चीज़ों को फॉलो करते हुए ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस पर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसी कड़ी में बात होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की। ये नाम बहुत अहम है इस चैप्टर की सबसे मजबूत कड़ी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स में, MCQs में पूछा गया ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे मार्क करके रख लीजिएगा। EDI स्टैंड्स फॉर डैश इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। वंस अगेन आई रिपीट दोस्तों, EDI स्टैंड्स फॉर डैश इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। कई बार बोर्ड में कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आपको ध्यान से इसे पढ़ना है। कई बार आंसर आते हुए भी लोग हड़बड़ी में, घाई घाई में स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत ऑप्शन चुन लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इसका राइट आंसर है। EDI स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। बढ़ते हैं दोस्तों इस कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब इलेक्ट्रॉनिकली डेटा ट्रांसमिट होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तक इलेक्ट्रॉनिक वे में, ऑनलाइन वे में जब डेटा ट्रांसमिट करती है, डॉक्यूमेंट का सबमिशन करती है, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कह सकते हैं। EDI इज द इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, एक वे होता है, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट होते हैं, उन्हीं तौर तरीकों को फॉलो करते हुए, उन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए डेटा ट्रांसमिट होता है, विच अलाउज वन कंपनी टू सेंड इंफॉर्मेशन टू अनदर कंपनी इन एन इलेक्ट्रॉनिक मैनर, इलेक्ट्रॉनिकली रादर देन ऑन पेपर। यानी कोई फाइलिंग वर्क नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिकली ही फिर परचेज ऑर्डर हो, सेल्स ऑर्डर हो, इनवॉइसेस हो, बिल्स हो, ये सारी चीज़ें जो है, रिसिप्ट हो, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली ही ट्रांसफ़र हो जाती हैं। बिजनेस एंटिटीज कंडक्टिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली आर कॉल्ड ट्रेडिंग पार्टनर्स। इन ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में ऐसे व्यवहार होते हैं। मेनी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स कैन बी एक्सचेंज यूजिंग EDI। टू मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट्स आर परचेज ऑर्डर्स एंड इनवॉइस। ये दोनों को याद रखिए दोस्तों, परचेज ऑर्डर आजकल जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिकली ही शेयर किए जाते हैं, साथ ही साथ इनवॉइसेस यानी बिल की जो कॉपी होती है वो भी दोस्तों आपको EDI के जरिए मिल जाती है। इट इज़ अ कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरचेंज। अंडरलाइन कर लीजिएगा, कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरचेंज ऑफ स्ट्रिक्टली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट। यानी जो एक्चुअल फॉर्मेटेड होता है उसके अंदर सिर्फ डिटेल्स इनपुट होती हैं, नाम पार्टी के, सेंडर के नाम, अमाउंट जो है, क्वांटिटी है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके बारे में डिटेल्स पहले से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, उसके अंदर डिटेल्स फिल करके जो है ये ट्रांसफर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ टेलीकम्युनिकेशन और फिजिकली ट्रांसपोर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया, यानी फिर वो मेल के जरिए हो या किसी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वे के जरिए जो डेटा जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो EDI इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जहाँ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इलेक्ट्रॉनिकली कैरी किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे।
इसी ट्रांजैक्शन के अगर कड़ी में आगे बढ़े तो सिक्योरिटी मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जितना भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, एक्टिविटीज़ जैसी हो रही हैं इंटरनेट के ऊपर, सिक्योरिटी जो है ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं सिक्योर होना और इन ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड को ना लाइटली ना लें, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रॉड ऑनलाइन जो है ये बढ़ते ही जा रहे हैं तेज़ी से। हैकर्स जो हैं वो हमारे अकाउंट्स हैक कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पैसे चुरा लेते हैं, तो ये चीज़ें बचना इन चीज़ों से बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए सिक्योरिटी मेजर्स इन ई कॉमर्स आर वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। ई कॉमर्स सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स व्हिच गाइड सेफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। जी हाँ, ये वही प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, अलाउइंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला प्रोसेस है इनक्रिप्शन का, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। इनक्रिप्शन जब नाम याद आए तो समझ लेना दोस्तों, यहाँ पर हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। हम जो है प्लेन टेक्स्ट को कोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं, ताकि थर्ड पार्टी इसका एक्सेस ना कर सके, एक्सेस करे भी तो उसे रीड ना कर पाए। यानी प्लेन टेक्स्ट को नॉन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, इसे हम आईटी की भाषा में सिफर टेक्स्ट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनक्रिप्शन इज वाइडली यूज ऑन द इंटरनेट टू प्रोटेक्ट यूजर इंफॉर्मेशन बींग सेंट बिटवीन ब्राउजर एंड सर्वर। दिस इंक्लूड्स पासवर्ड्स, पेमेंट इंफॉर्मेशन एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन, एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट शुड बी कंसिडर्ड प्राइवेट। यानी कई चीज़ें जो होती हैं शेयर की जाती हैं इंटरनेट के ऊपर, सर्वर से, क्लाइंट के सर्वर से या अपने ब्राउज़र से, तो इन चीज़ों को सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है। ये डेटा लीक नहीं होना चाहिए और इसीलिए इनक्रिप्शन का सहारा लिया जाता है। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस एज इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक है इनक्रिप्शन और एक है डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या करता है, तो इट कन्वर्ट्स प्लेन टेक्स्ट यानी रीडेबल टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट या सिफर टेक्स्ट, कोडेड फॉर्म ऑफ डेटा। यानी आपका जो रीडेबल नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसे इनक्रिप्ट करके हम जो है वो उसे कोडेड कमांड में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि कोई भी उसे ना रीड कर सके, और जाता है वो नॉन रीडेबल बनकर जब फाइनली वहाँ वो एग्जैक्ट पार्टी पर पहुँच जाता है, एग्जैक्ट पार्टी के लिए वो एक्सेस करना है, अब उसे रिसीव कर लिया है, तो उसे क्या करना है, उसे दूसरा प्रोसेस करना है, दैट इज डिक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, डिक्रिप्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्शन। ये क्या करता है, तो ये साइफर टेक्स्ट जो है हमारा, जो नॉन रीडेबल टेक्स्ट है, उसे जो है वो प्लेन टेक्स्ट में वापस कन्वर्ट करता है। तो ये दो प्रोसेसेस हैं इनक्रिप्शन के अंदर, एक इनक्रिप्शन और एक डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट इनटू सिफर टेक्स्ट, और जो डिक्रिप्शन है उसमें सिफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इससे क्या होता है कि एग्जैक्ट जो पार्टी है, जो रिसीवर है, उसे ही सिर्फ एक्सेस मिले डेटा का। बीच में कोई अगर एक्सेस करता भी है तो वो रीड ना कर सके, डेटा जो है एक्सेस ना कर सके। तो ये सिक्योरिटी मेजर है ई कॉमर्स के अंदर। अगर इसे डिटेल में समझना है तो इनक्रिप्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एक सिमेट्रिक यानी प्राइवेट की इनक्रिप्शन होता है, जहां पर सेम कीज यूज होती हैं, सेम की हम यूज करते हैं हमारे लॉक को खोलने के लिए। इसके अलावा सिमेट्रिक की बात करें तो पब्लिक की इनक्रिप्शन है, यहाँ पर डिफरेंट कीज यूज़ होते हैं, असिमेट्रिक ज़्यादा यूज़ किया भी जाता है दोस्तों। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का ये जो नीचे छोटा सा आप देख सकते हैं एरोज के जरिए समझाने की कोशिश की है, सबसे पहले जो है सेंडर प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है सिफर टेक्स्ट में, रीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा यानी प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट जो है वो है हमारा कोडेड फॉर्म ऑफ डेटा, और फाइनली डिक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो रिसीवर के एंड पर होता है, यहाँ पर वो प्लेन टेक्स्ट को रीडेबल में फिर से सिफर टेक्स्ट को रीडेबल में फिर से कन्वर्ट कर देता है। तो ये है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोस्तों। इसके आगे अगर बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर भी एक सिक्योरिटी मेजर है ई कॉमर्स में। डिजिटली आप साइन करके भी ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप एक्चुअल रिसीवर हैं या सेंडर हैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के। या डिजिटल सिग्नेचर इज ऑल्सो नोन एज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अ डिजिटल सिग्नेचर गारंटीज द ऑथेंटिसिटी यानी प्रूफ देता है कि हाँ भाई मेरा ही ये डॉक्यूमेंट भेजा गया है या मैं ही इसका रिसीवर हूँ ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और मैसेज। इन डिजिटल कम्युनिकेशन एंड यूजेस इनक्रिप्शन टेक्निक जो हमने अभी प्रोसेस देखा उसी का इस्तेमाल करते हुए ये डिजिटल सिग्नेचर असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में यूज किया जाता है टू प्रोवाइड प्रूफ
ऑफ ओरिजिनल एंड अनमॉडिफाइड डॉक्यूमेंटेशन, यानी बेसिकली ऑथेंटिसिटी के लिए जिस तरह हम साइन वगैरह करते हैं नॉर्मली फिजिकली, उसी तरह ये डिजिटल साइन की तरह एक्ट करता है. डिजिटल सिग्नेचर्स आर यूज इन ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा. दिस इज द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टनर्स. तो आसानी से दो पार्टनर्स के बीच में डिजिटल सिग्नेचर के जरिए सिक्योरली डेटा ट्रांसफर हो सकता है. इसके अलावा दोस्तों अगर एक और चीज़ की बात करें तो वो है डिजिटल सर्टिफिकेट. अ डिजिटल सर्टिफिकेट इज लाइक अ पासवर्ड. जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड है. जैसा हम कई बार डॉक्यूमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार पासवर्ड जो है ये डिजिटल सर्टिफिकेट की तरह एक्ट करता है. पासवर्ड सामने वाली पार्टी को भी दिया हुआ है, जब उसके पास डेटा पहुँचेगा, ट्रांसफर होगा, तो वो उस पर पासवर्ड ऐड करते हुए उसे अनलॉक कर लेगा. तो ये डिजिटल सर्टिफिकेट की तरह एक्ट करता है, पासवर्ड की तरह एक्ट करता है. दैट अलाउज अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सचेंज डेटा सिक्योरली ओवर द इंटरनेट यूजिंग द पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी उसके पास पासवर्ड है, वो उसी से उसे ओपन करने वाला है. द पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज PKI. डिजिटल सर्टिफिकेट इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक की सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है. यानी कीज जो है वो दी गई हैं ऑलरेडी, डिफरेंट कीज हैं, लेकिन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है वो अनलॉक करने वाला है. इसीलिए इसे डिजिटल सर्टिफिकेट को पब्लिक की सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं. इन दिस इंफॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू ऑथोराइज्ड पार्टनर्स हु हैव डिजिटल सर्टिफिकेट्स. दोनों के पास डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं, अपने अपने पासवर्ड हैं, और उसके जरिए वो लोग लॉकिंग और अनलॉकिंग की प्रक्रिया करने वाले हैं. इश्यूड बाय सम सुप्रीम अथॉरिटी, यानी ऑथेंटिकेशन पहले से दिया है इन दोनों को, और दोनों ही पार्टीज पासवर्ड का इस्तेमाल करके जो डेटा है उसका अनलॉक कर सकते हैं. तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने डिटेल में सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में जाना और EDI के बारे में जाना. कई फिलअप्स, कई थियोरेटिकल क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो है बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं. इसका नोट्स बनाकर अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए. मिलेंगे हम फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज़ के साथ. तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.